राम राम जी। क्या हाल सारे का, रियल इंडिया चैनल पर आप सारे साथियों स्वागत है। और भैया आज आपके लिए दो बड़ी अपडेट लेकर के आया हूँ। अपडेट जो हरियाणा में कर्मचारियों को लेकर के रहने वाली है साथियों, तो अपडेट क्या को उस अपडेट जानने के लिए वीडियो को शुरू से अंत तक जरूर देखिएगा और साथ ही वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा साथियों तक तो शेयर जरूर कीजिएगा ताकि सभी साथियों को अपडेट मिल सके। और साथ ही जो साथी चैनल पर नया आता है तो भाई चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लिया, अपने साथी सब चैनल को सब्सक्राइब जरूर कराए ताकि जो इसी तरह से आपको सरकारी नौकरी भर्तियों जरूरी अपडेट मिलती रहे। तो चलिए साथियों शुरू कर लेते हैं बिना टाइम वेस्ट के वीडियो। तो साथियों सबसे पहले आपको जो है अपडेट दूंगा टीजीटी को लेकर के, और उसके बाद जो है एचकेआर ने कर्मचारियों को लेकर के अपडेट दूंगा जिन्होंने जो है सीएम से मुलाकात की है, उनको क्या कुछ आश्वासन मिला क्या कुछ नहीं, वो आपको पूरी अपडेट दूंगा। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं टीजीटी टीचर को लेकर के। तो मेवात मॉडल स्कूलों के टीजीटी अध्यापकों को नियुक्ति पत्र नहीं, समायोजन की अधिसूचना जारी हुए 3 साल बीती। एसोसिएशन ने कहा मांगे पूरी नहीं हुई तो निदेशालय पर प्रदर्शन किया जाएगा। तो हरियाणा सरकार द्वारा लगभग 4 साल पूर्व मेवात के विभिन्न खंडों में मौजूद मेवात मॉडल स्कूलों को शिक्षा विभाग में मर्ज करने के समायोजन की अधिसूचना जारी होने के 3 साल बाद भी टीजीटी अध्यापकों के नियुक्ति पत्र नहीं मिले हैं। तो इस मामले को लेकर कई बार मेवात मॉडल स्कूल एम्प्लॉयज वेलफेयर एसोसिएशन अधिकारियों के साथ साथ मंत्री से मुलाकात कर चुकी है लेकिन कोई समाधान नहीं हुआ है। अब एक बार फिर एसोसिएशन ने चेताया कि अगर उनकी मांगों को जो है जल्द पूरा नहीं किया गया तो निदेशालय पर प्रदर्शन किया जाएगा। एसोसिएशन के प्रधान राज्य प्रधान है जो विजेंद्र सिंह, उन्होंने मुख्यमंत्री और शिक्षा मंत्री हरियाणा को पत्र लिखकर के शिक्षा निदेशालय के रवैये की कड़ी आलोचना करते हुए शीघ्र टीजीटी अध्यापकों को नियुक्ति पत्र जारी करने व 33 कर्मचारियों के नियमितीकरण, कोरोना के समय हुई 2 कर्मचारियों के परिवार को अनुकंपा का लाभ देने व कर्मचारियों पर जबरन लगाई गई शर्त को हटाने आदि मांग की है। तो एसोसिएशन के प्रधान विजेंद्र कुमार व पूर्व प्रधान सतीश कटाणा ने 2 टूक शब्दों में कहा कि जल्द यदि मांगों पर कोई निर्णय नहीं हुआ तो मेवात मॉडल स्कूल एम्प्लॉयज वेलफेयर एसोसिएशन सर्व कर्मचारी संघ हरियाणा के साथ मिलकर के शिक्षा निदेशालय पर उग्र प्रदर्शन करने को मजबूर होगी। तो ये साथियों टीजीटी टीचर को लेकर के अपडेट थी। अब दूसरी बड़ी अपडेट को लेकर के जो बात कर लेते हैं वो आपको दिखा देता हूँ भाई, एचकेआरएन कर्मचारियों को लेकर के। भाई एचकेआरएन कर्मचारियों ने जो अपनी मांगों को लेकर के मुख्यमंत्री से की मुलाकात, तो भाई क्या कुछ अपडेट है विस्तार से चर्चा कर लेते हैं इसकी भी। भाई हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह ने जो है बने जो है 3 महीने से ऊपर हो चुके हैं और हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह से हरियाणा कौशल रोजगार निगम के तहत कार्यरत विभिन्न वर्गों के कर्मचारियों ने अपनी मांगों को लेकर के मुलाकात की है और मुख्यमंत्री ने कर्मचारियों की मांगों को बड़े ध्यान से सुना और कार्य योजना तैयार करने का आश्वासन भी दिया है। तो प्रवक्ता ने बताया कि चंडीगढ़ में मुख्यमंत्री के निवास पर हरियाणा कौशल रोजगार निगम के तहत कार्यरत विभिन्न वर्गों जैसे कि माड़ी, सेवादार, चालक, लिपिक, वेटर, अन्य श्रेणी के कर्मचारियों ने मुख्यमंत्री से अपनी मांगों को लेकर के मुलाकात की। उन्होंने अनुरोध किया कि हरियाणा रोजगार कौशल निगम के तहत कार्यरत विभिन्न कर्मचारियों को सरकार द्वारा बनाए जाने वाले नीतियों के तहत नियमित किया जाए ताकि वे अपना व अपने परिवार का भविष्य उज्जवल कर सकें। कर्मचारियों ने मुख्यमंत्री का मुलाकात करने के लिए धन्यवाद भी किया। तो साथ ही ये 2 बड़ी लेटेस्ट अपडेट थी। आपको अपडेट कैसी लगी, अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा साथियों तक शेयर जरूर करें ताकि सभी साथियों को अपडेट मिल सके। तो फिर मिलेंगे एक नई लेटेस्ट अपडेट के साथ। इसी के साथ जय हिंद जय भारत।